Hi students and viewers, I'm Dr. Manpreet Kaur and welcome once again to Learn With Me From Home. This video is especially for the final year students who are going to graduate soon and will have to face many interviews. So today I'm going to give you some tips, skills, do's and don'ts of how to ace an interview. अगर आप इन सब स्किल्स को फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू को बहुत ईजिली सेल थ्रू कर सकते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर एंड एज ऑलवेज Don't forget to subscribe, like, and share my channel. Tips and skills to sail through any interview. कुछ tips हैं, skills हैं, जिससे कि आप कोई भी interview बहुत आसानी से crack कर सकते हैं. Preparation prior to the interview. किसी भी interview को face करने से पहले आपकी preparation बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए. आपको अपना homework बहुत properly करना चाहिए. The commencement. Beginning of the interview, facing the interview. आपको किस तरह से अपने interviewer को या board of interviewers को face करना है. End of the interview, follow-ups, do's and don'ts and final tips. ये पांच phases हैं. अगर आप इनको अच्छी तरह से prepare कर लेते हैं तो आप कोई भी interview बहुत अच्छी तरह से देने के काबिल हो जाएंगे. Preparation prior to the interview. Keep the anxiety at bay. कोई भी interview face करना हो तो जाहिर सी बात है बहुत nervousness होती है और कोई भी anxious हो जाता है, लेकिन हमको anxiety नहीं अपने आप में create करनी. Do a complete research and homework on your subject, company, college before the interview. If you are well prepared, then you will be less anxious and that will ensure a सक्सेसफुल इंटरव्यू. आप एंग्जाइटी को दूर रखने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपना होमवर्क प्रॉपर करिए, आप अपने सब्जेक्ट पर बहुत थरो रहिए, उसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करिए. कंपनी या कॉलेज या स्कूल जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होने चाहिए, और अगर आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एंग्जाइटी भी बहुत कम होगी और आपका इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल होगा. Visit the interview site a day or two before so that you don't waste time on final day of the interview, and this will avoid extra nervousness also. जो आपका interview site है उसको आप एक या दो दिन पहले ज़रूर visit करके आएँ ताकि आपका उस दिन final day जिस दिन interview है उस दिन आपका time ना waste हो. इससे आपको nervousness भी नहीं होगी. अगर आप late पहुँचेंगे तो आपका interview फिर अच्छा नहीं होगा. टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अराइव 15 to 20 मिनट्स अर्ली. आपको किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा या कम से कम एक घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए. बी ऑर्गेनाइज्ड. ब्रिंग एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ योर पोर्टफोलियो, रिज्यूमे, नोट पैड, पेन एंड अदर नेसेसरी थिंग्स. आप फुली ऑर्गेनाइज रहिए, एक्स्ट्रा कॉपीज लाइए अपने पोर्टफोलियो का, रिज्यूमे का, नोटपैड का, पेन और भी चीज़ें जो वहाँ पे रिक्वायर्ड हो. फॉलो द ड्रेस कोड. कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, सो यू नीड टू ड्रेस प्रॉपरली एंड ग्रेसफुली फॉर सक्सेस. हेयर शुड बी क्लीन एंड कोम्ब्ड प्रॉपरली. कीप परफ्यूम, कोलोन एंड आफ्टर शेव मिनिमम. कीप सोबर येट स्मार्ट. आपके बाल बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन बने होने चाहिए. परफ्यूम्स, कोलोन्स और आफ्टर शेव कम से कम लगाएं. सोबर रहें और स्मार्ट रहें. विमेन शुड नॉट वेयर एक्सेसिव ज्वेलरी. ऐसा ना लगे कि आप इंटरव्यू के लिए नहीं या किसी इवेंट पे आए हैं. ड्रेस एप्ट फॉर द इंटरव्यू, बी इट अ साड़ी, सूट, पैंट्स, लॉन्ग स्कर्ट, विच शुड बी ग्रेसफुल. आप चाहे साड़ी पहने, सूट पहने, पैंट्स या लॉन्ग स्कर्ट, वो बहुत ही ग्रेसफुल होना चाहिए. Men should not wear a jeans. It should be pants, collar shirt, tie, coat and shoes. किसी को भी जीन्स नहीं पहननी चाहिए because it comes in informal dress. It should be pants, collar shirt, formal shoes, tie and coat. Do not wear gaudy or loud colors. बहुत ही loud colors, बहुत ही gaudy कपड़े ना पहने कि जिससे ऐसा लगे कि interviewer irritate हो रहे हैं. The commencement, next phase है, beginning of the interview.
Inform the receptionist that you have an interview with a certain company, college, school, and also tell the time at which you are called. आप वहाँ पर साइट पर पहुँचकर अपने रिसेप्शनिस्ट को बताइए कि आपका इंटरव्यू है किसी सर्टन कंपनी, स्कूल या कॉलेज में और आपको उस टाइम पर उस दिन वहाँ पर बुलाया गया है. On meeting the interviewer, look straight into his or her eye, smile and shake hands firmly. जब आप इंटरव्यूअर को मिलते हैं तो आप उनकी आई कॉन्टैक्ट करिए जिससे कि पता चले कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. And shake hands firmly or a gentle, polite smile दें उनको. Stand still, be confident and wait until you are offered a seat. आप अच्छी तरह से चुपचाप खड़े रहें और तब तक ना बैठें जब तक के आपको कहा ना जाए. Have an excellent communication. Don't be overconfident or too shy. Express your pleasure to meet the interviewer. आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक या ओवर कॉन्फिडेंट ना लगें और बहुत ही शर्मीले भी ना रहें. एक्सप्रेस योर प्लेजर, आप ये बताएं कि यू आर वेरी हैप्पी टू मीट द इंटरव्यूअर. स्माइल एंड कंटिन्यू विद द इंटरव्यू. डू नॉट ड्रम योर फिंगर्स, फिजिट विद पेंस, रिंग्स और एनीथिंग ऑन द टेबल. आप अपनी फिंगर्स में रिंग्स को ना छुएं, टेबल पे पड़े पेन या किसी बुक्स को ना छुएं जिससे कि आपका या इंटरव्यूअर का कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो. बी थॉरो विथ योर पोर्टफोलियो एंड रिज्यूमे एंड बी प्रिपेयर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट देम. जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका पोर्टफोलियो है, जो आपका रिज्यूमे है, आप उसमें बहुत थॉरो रहें. आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए. लेट द इंटरव्यूअर नो अबाउट योर स्किल्स, knowledge and experience which makes you a qualified candidate. Interviewer ko aapke skills ke bare mein bataiye. Unko bataiye how knowledgeable you are. Unko apne purane experience bataiye jisse ke pata chale ki aap kaise bahut qualified candidate hain. Don't try to be over smart or too knowledgeable. Aap aisa na show kare ki aapko bahut zyada aata hai aur aapko interviewer se bhi zyada नॉलेज है. बी ऑनेस्ट विद योर आंसर्स. एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर्स कैन फाइंड आउट योर लाइज इन नो टाइम. अपने हर एक आंसर को, अपने हर एक जवाब को ऑनेस्टली दें. जो एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर्स होते हैं, अगर आप झूठ बोलेंगे आपको, उनको आपके बारे में पता चल जाएगा और मालूम चल जाएगा आप कितने फेक हैं. ऑलवेज एक्सप्लेन योर आंसर एंड नेवर बी मोनोसिलेबिलिक विद अ येस और नो. अपने आंसर्स को अच्छी तरह बताएं. बी एक्सप्रेसिव, सिर्फ येस और नो ना बोलें. इफ़ यू डोंट नो द आंसर टू एनी क्वेश्चन, टेल द इंटरव्यूअर टू एक्सप्लेन एंड बी अटेंटिव टू द इंटरव्यूअर. अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो घबराएं ना. आप इंटरव्यूअर को बोलें कि आपको वो आंसर बताएं और एक्सप्लेन करें और आप प्लीज पे अटेंशन टू दैट. Be careful and think properly before answering. You can take some time to answer for slightly tough questions, but don't take a very long pause. आप काफ़ी careful रहें, सोच समझ के अपने जवाब दें. और अगर कोई question आपको tough लग रहा है तो थोड़ा ज़्यादा time ले लें, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा time भी ना लें जिससे कि interviewer को लगे कि आपको सवाल का जवाब नहीं आता. Be truthful about the personal questions like your age, मैरिटल स्टेटस एट्सेट्रा. आप अपनी एज और अपनी मैरिटल स्टेटस सही सही बताएं. शो दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड एंड एनर्जेटिक फॉर द जॉब. ऐसा बताएं कि आपको कितना इंटरेस्ट है जॉब के लिए और आप उस जॉब को लेने के लिए कितने एंथुजियास्टिक हैं. नेवर डू सर्टन थिंग्स. आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी. डिस्कस पर्सनल इशूज विच आर अनसुटेबल. आपको किसी भी इंटरव्यू में जा कर के कुछ अपने पर्सनल इश्यूज जो कि नेगेटिव हैं, अनसुटेबल हैं, आपको उन्हें नहीं बताना है. टेल योर वीकनेसेस. कभी भी अपनी वीकनेसेस, अपनी खामियां या अपने नेगेटिव पॉइंट्स ना बताएं. क्रिटिसाइज योर कोवर्कर्स, फॉर्मर एम्प्लॉयर और स्कूल कॉलेज स्टाफ. कभी भी अपने कोवर्कर्स, पुराने एम्प्लॉयर या स्कूल या कॉलेज जहाँ पहले काम करते थे, कभी भी उनकी
क्रिटिसिज्म या बुराई ना करें. नेवर डिस्कस पर्क्स और सैलरी टिल द इंटरव्यूअर आस्क्स यू. कभी भी अपनी पर्क्स या सैलरी इंटरव्यूअर से ना डिस्कस करें जब तक आपको पूछा नहीं जाता. एंड ऑफ द इंटरव्यू. इंक्वायर ऑल जॉब रिलेटेड इश्यूज ऑन योर माइंड. जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो जो भी इश्यूज आपके माइंड में हैं आप उनको सभी को अपने इंटरव्यूअर से पूछें. जॉब मे बी ऑफर्ड इंस्टेंटली इफ योर परफॉर्मेंस वॉज गुड. इन दैट केस यू कैन कोट अ स्पेसिफिक सैलरी एंड रेस्ट ऑफ द पर्क्स. अगर आपको जॉब उसी समय ऑफर हो जाता है तो आप अपनी एक स्पेसिफिक सैलरी कोट कर सकते हैं और बाकी पर्क्स के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं. ट्राई नॉट टू आंसर इमीडिएटली. यू कैन री थिंक अबाउट द ऑफर. आप ऐसी कोशिश करें कि आप अपना रिप्लाई अपना आंसर तुरंत ना दें. आप उस ऑफर के बारे में हर तरीके से दोबारा सोचें. इफ द इंटरव्यूअर टेल्स यू टू वेट एंड दैट यू विल बी कॉन्टैक्टेड देन यू कैन ऑफर टू कॉल इन फ्यू डेज. दिस शोज योर इंटरेस्ट. अगर इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा इंतज़ार करें आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो आप अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हैं कि आप उनको थोड़े समय में कुछ दिनों में कॉल करेंगे. इससे शो होता है कि आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं. बी श्योर टू लीव योर कॉन्टैक्ट नंबर्स ईमेल्स एंड एड्रेस सो दैट यू कैन बी रीच्ड ईजिली. अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स ईमेल्स और एड्रेस ज़रूर अच्छी तरह वहाँ पर छोड़ कर जाएँ जिससे कि आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके. Thank the interviewer and wish him her a good day. Shake hands and leave. जब आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाता है तो अपने इंटरव्यू को थैंक करें उनके साथ शेक हैंड्स करें और वापस रूम से चले जाएं. Can send a thank you letter soon after the interview. आप अपने इंटरव्यू के बाद एक इंटरव्यूअर को थैंक यू लेटर भेज सकते हैं. फॉलो अप्स डूज एंड डोंट्स एंड फाइनल टिप्स. Call the office, college, company few days after the interview to find out their decision. जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हुए कुछ दिन हो जाते हैं तो आप कॉलेज को ऑफिस को स्कूल या कंपनी को कुछ दिनों बाद पूछ सकते हैं उनके डिसीजन के बारे में कॉल करके. डूज. आपको क्या क्या फॉलो करना है. बी ड्रेस्ड ग्रेसफुली. बी पोलाइट. सौम्य रहें. पोलाइट रहें. जेंटल रहें. बी एंथुजियास्टिक एंड रेडी फॉर इम्प्रॉम्प्टू पार्टिसिपेशन. ऑन द स्पॉट पार्टिसिपेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहें और एंथुजियास्टिक रहें. बी कॉर्डियल. एवर स्माइलिंग. वेल बिहेव्ड. अपडेटेड. थॉरो एंड काम. जेंटल रहें. स्माइलिंग रहें. यू शुड बी वेल बिहेव्ड. थॉरो रहें और बहुत ही काम रहें. कंपोज रहें. डोंट्स. कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी. डोंट बी ड्रेस्ड शैबली एंड बी अनहाइजेनिक. ऐसा ना हो कि आप अनहाइजेनिक लगें कि आप नहा धो के नहीं गए हैं. इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट. लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. ऐसा ना हो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हों आपकी नॉलेज प्रॉपर ना हो आपको सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ना आता हो और आपकी प्लानिंग प्रॉपर ना हो. क्रिटिसाइजिंग पास्ट एम्प्लॉयर्स. अपने पुराने एम्प्लॉयर्स की बुराई नहीं करनी. उनकी क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं करनी. फेलियर टू लुक इनटू द इंटरव्यूअर्स आई. इंटरव्यूअर की आंख में ना देखना मींस आई कांटेक्ट ना बना पाना. ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे ये शो होगा कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं और आपको कुछ भी नहीं आता. लेट फॉर द इंटरव्यू. आप इंटरव्यू के लिए कभी भी लेट ना हो. इल मैनर्ड. आप कभी भी बदतमीजी से पेश ना आए. कॉमन इंटरव्यू रेटिंग्स. ये कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जो कि अगर किसी भी कैंडिडेट में हैं तो उसको 100% इंटरव्यू में सक्सेस मिल सकती है. फर्स्ट वन इज क्वालिफिकेशंस एंड नॉलेज. आपकी क्वालिफिकेशंस एंड नॉलेज एटलीस्ट 20% होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल्स 25%. जनरल अपीयरेंस 25%. लेकिन जो आपका एटीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा
वो वाइब्रेंट, पॉजिटिव, एंथुजियास्टिक होना चाहिए. दैट शुड बी रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी, जिससे कि ये पता चले कि आप जॉब को कितनी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं. ये जनरल इंटरव्यू रेटिंग्स हैं जो कि एक कैंडिडेट की सक्सेस को शो करता है या बताता है. आई होप माई वीडियो विल हेल्प मैनी स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सच जर्नीज. फॉर एनी क्वेरी और सजेशन, please mail me at learnwithmefromhome@gmail.com and please do subscribe my channel. Keep looking for more such videos. Till we meet next, stay safe and goodbye.